दिल्ली के आईटीओ चौराहे से जायजा लिया हमारी नुमाइंदा रचना ने। दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार आज से एक नए अभियान की शुरुआत कर रही है, जिसको नाम दिया गया है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। यानी कि आप जब रेड लाइट पर पहुंचते हैं, जब तक आप रेड लाइट पर रहते हैं, गाड़ी को ऑफ रखें, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध शुरू किया हुआ है, दिल्ली के एयर प्रदूषण को कम करने के लिए लगातार नए नए अभियान दिल्ली सरकार की तरफ से शुरू किए जा रहे हैं। और ये जो रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान है, इसके जरिए गांधीगिरी करते हुए जो तमाम वॉलंटियर्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली के करीबन 100 ऐसे बिजी चौराहों को चिन्हित किया गया है जहाँ पर मार्शल्स की तैनाती की गई है, और एक चौराहे पर करीबन 10 मार्शल तैनात किए गए हैं। ये मार्शल जो लोग यहाँ पर हैं, रेड लाइट पर पहुँचते हैं, तो उस दौरान फूल देकर यानी कि गांधीगिरी के जरिए उन्हें समझाएंगे कि रेड लाइट पर अपनी गाड़ी को ऑफ रखें, ताकि एयर पोल्यूशन को कम करने में मदद मिले और ईंधन को भी बचाया जा सके। भैया, आज से जिस तरीके से अभियान शुरू हो रहा है रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ, कैसे देख रहे हैं इसे? बहुत अच्छे ढंग से देख रहे हैं हम लोग, बहुत अच्छा है। शांति भी है और पोल्यूशन भी नहीं है। बिल्कुल, शांति भी है और पोल्यूशन भी नहीं है। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया है इस चीज़ को, तो मानेंगे इस उसको कि रेड लाइट पर गाड़ी बंद करके रखेंगे, क्योंकि ईंधन भी बचता है। बिल्कुल बंद होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बंद। तो यहाँ पर जो लोग हैं, उनका भी यही कहना है कि अच्छा अभियान है, इससे शांति भी रहेगी। और तमाम जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, उन्होंने इस वक्त अपने जो इंजन है वो बंद किए हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये अभियान है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, तो तमाम गाड़ियाँ ऑफ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। वॉलंटियर्स यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनके हाथ में फूल भी आप देख सकते हैं। रेड लाइट पर जो प्ले कार्ड्स हैं, उस पर भी साफ लिखा है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। और रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को इसी तरीके से कारगर बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने आज से इसकी शुरुआत की है, और 15 नवंबर तक ये अभियान चलेगा। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली का एयर पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, वो चिंता का विषय है। सरकार की तरफ से कई सारी चीज़ें इसको लेकर की जा रही हैं, तो अब ये देखना होगा कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान से दिल्ली के एयर पोल्यूशन में कितनी कमी आती है, और दिल्ली के लोगों को बढ़ते एयर प्रदूषण से कितनी राहत मिलती है। कैमरा पर्सन विपिन के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। त्योहारों के मौसम में